हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले में स्वाइन फ्लू के बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग के साथ साथ आयुर्वेद विभाग भी अब लोगों के बीच जाकर सर्वे कर काढ़ा पिलाने में लगा हुआ है। बांगड़ चिकित्सालय में शुक्रवार को आयुर्वेद विभाग व स्काउट की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों के स्वाइन फ्लू की जांच को लेकर खून के सैंपल लिए और जुकाम पीड़ित मरीजों को स्वाइन फ्लू के बचाव लेकर काढ़ा पिलाया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक मौजूद थे। डॉक्टर साहब को खुद को स्वाइन फ्लू होने के बाद में कलेक्टर साहब ने एक चिंता जाहिर की कि अस्पताल में मरीजों के आवागमन की वजह से स्वाइन फ्लू का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी इस काढ़े का उपयोग करें। आयुर्वेदिक काढ़ा स्वाइन फ्लू के प्रोटेक्शन के लिए, स्वाइन फ्लू के प्रतिरोध के लिए बनाया गया है। ये स्काउट परिवार के सौजन्य से राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम बांगड़ अस्पताल परिसर में रखा गया है, जिसमें हम आज 10 से 11,000 डोज लोगों को कवर करने के हिसाब से पिला रहे हैं। स्काउट परिवार का सौजन्य है और राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग के द्वारा ये प्रयोजित किया जा रहा है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।